मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब 13.5 करोड़ का है एंड इस साल वो 20% से ग्रो किया। इसका मतलब मेरा पैसा हर 3.5 साल में दुगना होगा, तो 3.5 साल बाद यही 13.5 करोड़ करीब 27 करोड़ बनेंगे। फिर 3.5 साल बाद ये 27 50 करोड़, फिर 3.5 साल बाद 100 करोड़। मतलब 10 से 11 साल के अंदर अगर मैं 20% रिटर्न जनरेट कर पाया, मेरे पास 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा। करोड़पति बनने के लिए आपको वक्त और रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों को समझना है। वक्त आपके साथ है, रेट ऑफ रिटर्न भी आपके साथ हो सकता है अगर आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को, मतलब आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको सही से समझें एंड अपना पैसा सही से रिस्क मैनेज करते हुए डिप्लॉय करें। इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे। 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए आपको चाहिए यही एक वीडियो। सबसे पहले प्रोटेक्शन। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लग गए, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी डामाडोल हो सकती है, क्योंकि वो पैसा जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बनाना चाहते थे आज ही खत्म हो जाएगा। ये चीजें क्या होती है? हेल्थ, लाइफ और इमरजेंसी। हेल्थ से शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग रखिएगा, माँ बाप का अलग क्योंकि वो बुजुर्ग हो रहे हैं और उनका जैसे ही 60 साल बनेगा वो प्रीमियम बहुत बड़ा हो जाएगा। अपने परिवार के लिए अलग क्योंकि आप अभी भी जवान हैं एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता रहेगा। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ अपना एक पर्सनल इंश्योरेंस लीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप नौकरी छोड़ेंगे आपकी इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगी। सो यू वॉन्ट समथिंग दैट यू ओन एट योर ओन एंड। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपकी जिंदगी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने के लिए लाइफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट वे टू डू दैट। टर्म इंश्योरेंस प्लान इज द राइट अप्रोच, जहां सबसे कम प्रीमियम के लिए आपको सबसे ज्यादा कवर मिलता है। कवर का मतलब, अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को या नॉमिनी को कितना पैसा मिलता है। मिनिमम 15 गुना अपनी ईयरली सैलरी का वो कवर लीजिएगा एंड आइडियली 25 गुना अपनी ईयरली सैलरी का कवर शुड बी योर लाइफ इंश्योरेंस कवर। नंबर 3, इमरजेंसी फंड। वो इमरजेंसी जो एक हेल्थ और एक लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं कर सकता, गाड़ी खराब हो गई या कहीं कुछ घर में काम करना पड़ गया या किसी दोस्त को या परिवार वाले को कुछ पैसा चाहिए, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? तो अपनी महीने की जरूरतों का जितना भी आपका खर्चा है उसका 6 इज द मिनिमम इमरजेंसी फंड जो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। आइडियली 12 महीने का खर्चा एंड दैट इज पार्क्ड 70% इन अ FD ताकि आप 24 घंटे के अंदर उसको रिट्रीव कर पाएं, 20% इन द बैंक ताकि UPI या डेबिट कार्ड से आप इंस्टेंटली एक्सेस कर पाएं एंड 10% इन कैश ताकि अगर इंस्टेंटली किसी को पैसे की जरूरत हो आप उसको डिप्लॉय कर पाएं। ये 3 चीजों के बाद आप तैयार हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। हर एक इन्वेस्टमेंट रिस्क के अनुसार सेग्रीगेट होती है, तो 3 रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क में सबसे पहले आता है फिक्स डिपॉजिट, मम्मी पापा का प्यार। यहां आप बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक आपको एक गारंटीड फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, सो ऑन। एंड हमें ये लगता है बहुत बढ़िया चीज है, नहीं है। फिक्स डिपॉजिट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर मनी, नॉट टू ग्रो योर मनी। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज 5-6 मैक्सिमम 7% मिल जाएगा, तो टैक्स काट के वो मोटा मोटा 5.5-6% ही बैठेगा। इन्फ्लेशन भी 6% है, मतलब आपका पैसा औकात में ग्रो नहीं कर रहा। नंबर में तो ग्रो कर रहा होगा, 100 रुपए 106 दिखेंगे हर साल के बाद, लेकिन वो 106 वही चीज खरीद पाएगा जो पिछले साल 100 रुपए की थी। बेसिकली इन्फ्लेशन हैज इरोडेड द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं FD को यूज करिए अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए नहीं। दूसरा लो रिस्क एसेट इज PF। PF मतलब प्रोविडेंट फंड। सरकार एम्प्लॉयज को और नॉर्मल जनता मतलब पब्लिक को प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है। EPF अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट नौकरी है उसमें आपको मिलता है। यू कॉन्ट्रीब्यूट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ योर बेसिक सैलरी, कंपनी उसको मैच करती है एंड दैट गोज इन टू योर EPF अकाउंट, जहां आपको ऑन डेट 2023 डिसंबर की बात कर रहा हूं 8.15% फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, विच इज ब्रिलियंट, बेटर देन एनी अदर FD आउट देयर। एंड ये आप सालों साल रख सकते हैं या नौकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं, अपने PF अकाउंट को एक नौकरी से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं,
All of this is flexible. I will highly recommend that for your retirement, क्योंकि ये 8.1% बहुत बढ़िया से ग्रो करके आपके पैसे को अच्छी वैल्यू पे ले आएगा. अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है एंड आप पीएफ का फायदा उठाना चाहते हैं, देन देयर इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ये क्योंकि पूरी दुनिया के लिए है, इसका रेट ऑफ रिटर्न कम है, लेकिन फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है. 7.1% इज व्हाट यू कैन गेट. द चैलेंज देयर इज इसका मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1.5 लाख रुपए साल का है. सो यू कांट पुट मोर देन 1.5 लाख रुपीज इन अ पीपीएफ. लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा है और आप एफडी में नहीं डालना चाहते, देन कम से कम एक PPF में डाल के 7.1% या जो भी prevailing rate है उसको enjoy कर सकते हैं. The third low risk asset is National Pension Scheme या NPS. इसमें आप हर महीने कुछ contribute करते हैं, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं and you will put it into your NPS account. 60 साल के बाद आपको ये पैसा मिलता है and वो भी दो भागों में. 60% of that आपको लमसम मिलता है ताकि रिटायरमेंट के बाद आपकी जो भी जरूरत है वो उसको पूरा कर सकते हैं. एंड देन रिमेनिंग 40% इज स्प्लिट इनटू मंथली पेमेंट्स दैट कम टू यू इन द फॉर्म ऑफ लाइक अ पेंशन या एक सैलरी पोस्ट रिटायरमेंट. तो आपका एक टाइम का खर्चा भी बन जाता है एंड फिर महीने का इनकम भी बनता रहता है. द की हियर इज 60 years तक का लॉक इन. दैट मीन्स कि ये इन्वेस्टमेंट एसेट सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही प्लान करना चाहिए. यू कांट यूज इट फॉर योर लाइफ बिफोर रिटायरमेंट. तो आपके बच्चों की शादी या आपका कोई बड़ा सा अरमान, कोई घर की डाउन पेमेंट, वो सब एनपीएस के थ्रू नहीं हो सकती है. बट द गुड थिंग इज दिस इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल. आप डिसाइड करते हैं कि आप इस एनपीएस अमाउंट को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आप इक्विटी में कर सकते हैं, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में कर सकते हैं एंड यू कैन रियली बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम द 60 इयर्स तक की कंपाउंडिंग, व्हिच कुड मीन पैसा बहुत बड़ा बनेगा. नेक्स्ट लो रिस्क एसेट इज गोल्ड. अब गोल्ड टेक्निकली लो रिस्क नहीं है, लेकिन लोअर रिस्क है फ्रॉम द अदर एसेट क्लासेस. काफी स्टेबल रहता है, इनफैक्ट हाल ही में तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है. SGB विच आर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ये हैं सरकार के बैक्ड डिजिटल गोल्ड पॉलिसीज, वो सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड खरीदने का. 2015 में जो SGB लॉन्च हुआ था, मिनिमम 8 साल का कमिटमेंट होता है, वो जब 2023 में रिलीज होंगे, ऑन एन एवरेज 12% पर ईयर का रिटर्न है, विच इज फिनोमिनल. And over and above that, सरकार SGBs पे आपको 2.5% भी देती है. This makes SGB the best way to buy and invest in gold. Please, gold खरीदने के लिए ज्वेलरी मत खरीदिए. Making charge और GST में ही वो पैसे चले जाते हैं, 10-12-11% या जितना भी. और आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा महंगा ही होता है एंड वो 2.5% जो SGB में मिलता है वो नहीं मिलेगा. गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, वो सब बेकार ही हैं, क्योंकि कहाँ आप उसको स्टोर करेंगे. हाँ, प्योर है, वो सब है, लेकिन फिर भी उसका GST भी देना पड़ता है. SGB इन माई ओपिनियन इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन श्योरली गो इन टू गोल्ड. अब आप देखेंगे कि ये जो लो रिस्क एसेट्स हैं, दे आर बिटवीन अ 6-10% मोटा मोटा. एंड दैट मींस कि आपका पैसा बाय द रूल ऑफ 72, विच इज 72 का अगर आप रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितने सालों में आपका पैसा दुगना होगा. दिस सेज कि करीब 7 साल में आपका पैसा दुगना होगा, विच मीन 10 साल के अंदर आपका पैसा करीब 3 गुना बना होगा. नॉट बैड, बट कुड बी अ लॉट बेटर. इसके लिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा. एंड रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब आए दिन ये पैसा उतरेगा बढ़ेगा एंड आपकी धड़की धड़कने भी शायद उसी के तहत चलेंगे. इफ यू कैन कंज्यूम दैट रिस्क एंड बी एग्नोस्टिक टू इट, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यू कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम बेटर रेट ऑफ रिटर्न. आइए इसको समझते हैं. तो मीडियम रिस्क में सबसे पहला आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप एक कंपनी को एक लोन दे रहे हैं. तो जैसे आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, वैसे ही आप एक कंपनी को पैसा देते हैं और वो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं. दिस कैन बी एनीवेयर बिटवीन 8-12-13%. मीडियम रिस्क क्यों है? क्योंकि अगर ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है तो बहुत बढ़िया अंकुर. द रिस्क देयर इज द कंपनीज वर्थ या क्वालिटी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी बंद हो गई तो आपके पूरे के पूरे पैसे गए. And that could be a reality. इसीलिए the corporate bonds are rated. तो वो एक credit agency उनको बोलती है कि यार ये company बढ़िया है या नहीं, पैसे देने का औकात रखती है या नहीं,
दैट इज व्हाट्स डिटरमिंड. सबसे बेस्ट रेटिंग होती है ट्रिपल ए, फिर होती है डबल ए, फिर होती है ए, फिर आते हैं बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में. उनमें तो कभी पैसा डालना ही नहीं चाहिए. मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कुड बी गुड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, जहां फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कमाना चाहते हैं, जो कि एफडी से बेटर हो सकती है. लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल ए और डबल ए कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिएगा. ए भी रिस्की ही हो जाता है. I would not recommend that. For the next medium risk is real estate. And real estate पे लोगों ने बेशुमार पैसे कमाए हैं. Two ways of making money from real estate. एक rental income, तो आपने जो भी खरीदा, घर खरीदा, दुकान खरीदी, मॉल में कोई शॉप खरीद लिया या ऑफिस खरीद लिया, उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया, which is great. Second, which is what a lot of people do, is appreciation of that property itself. तो खरीदा, कल को जाके बेच दिया. And इसमें आप rental plus appreciation के साथ anywhere between 12% upwards कमा सकते हैं. अगर आप बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मे बी बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है. बट मान के चलिए इट विल बी बिटवीन 8-14% और सो. द बिग चैलेंज इन रियल एस्टेट इज, सबसे पहले तो बहुत पैसा चाहिए होता है, और इतना पैसा शुरुआत में तो होता ही नहीं है, लाइक 1 crore तो कहीं नहीं गए. एंड दूसरा, लिक्विडिटी नहीं है. जब आपको वाकई में वो पैसा चाहिए होगा, उस समय पे खरीदार है या नहीं है, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रगल. That's why I'm not a big fan of real estate. But the good way, agar aap real estate mein invest karna chahte hain, could be REITs, Real Estate Investment Trust. Ye real estate companies hain ya developers hain, jo apne projects ko club karke ek REIT banate hain. And then they say ki is projects mein se jo bhi rental income milega na, that will be redistributed back to the owners of the REIT. And that is how you will make your money. To aap REITs ko as a stock on the stock exchange खरीद सकते हैं. And that is the beautiful way of investing in real estate without the problems of कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या liquidity नहीं है. जैसे stock खरीदते हैं बेचते हैं during market timings, वैसे ही आप खरीद सकते हैं. 500 rupees से वो REIT शुरू भी होंगे, and you can actually invest in that, which could make it less risk from a liquidity perspective, definitely a lot more easy from a value perspective. And अगर आप real estate की इंडस्ट्री या एसेट में बिलीव करते हैं, देन कुड बी अ गुड वे फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. एंड देन फाइनली मीडियम रिस्क में आता है म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स. दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ द एक्शन हैपेंस, एंड हाल ही में खासकर बहुत ज्यादा हुआ है. SIP के टोटल वॉल्यूम रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के इतने सारे अकाउंट बन गए हैं, एंड इसमें बहुत सारे रूप है. वन विच पीपल थिंक इज द ओनली वे इज बाइंग स्टॉक्स. Buying stocks is actually the hardest way for a new person to make money. क्यों? किस बेसिस पे आप स्टॉक लेंगे? स्टॉक टिप्स पे तो नहीं लेना चाहिए कि भैया कोई टेलीग्राम मैसेज आ गया या कोई SMS किसी ने भेज दिया या किसी ने WhatsApp फॉरवर्ड कर दिया तो उसके चलते ले लो, वारी को इंडस्ट्री रातों रात दुगना हो जाएगा. नहीं होता है दोस्त, कहीं भी कोई फ्री पैसा नहीं है. तो आपको पूरी शिद्दत के साथ बैठ के उस कंपनी को समझना पड़ेगा, क्या करती है, मार्केट शेयर कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, ग्रोथ कैसी रही है, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है, वो सारे मेट्रिक्स, एंड फिर उसका मूवमेंट कैसा रहा है, कितने हाई पे या लो पे है. बहुत टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीवन इज इक्विप्ड टू डू. तो मेरी राय हमेशा ये रहती है, स्टॉक्स मत खरीदिए, क्योंकि स्टॉक्स लेने पे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एंड देन वी सफर इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, और वी फील दैट वी आर रॉक स्टार्स इफ दे डू परफॉर्म वेल. बोथ ऑफ दीज आर इनकरेक्ट. द बेस्ट वे इन माई ओपिनियन इज म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में आप ये पूरी जिम्मेवारी एक फंड मैनेजर को देते हैं कि यार आप मेरे लिए रिसर्च कर लो, आप मुझे बता दो कि क्या खरीदना है, एंड आप मेरे बिहाफ पे खरीद भी लो. मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा किराया दूंगा या प्राइस या कॉस्ट दूंगा, विच इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो. इट्स अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन. तो अगर आपने 100 rupees डाले हैं एंड एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 99 rupees इन्वेस्ट होंगे, 1 rupee जो है वो फंड रखेगा अपने खर्चे के लिए, क्योंकि जिंदगी भी जीनी है, सैलरी भी देनी है वगैरह. एंड दीज म्यूचुअल फंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. आप एक डेट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जो कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, एंड वो आपके लिए चुनिंदा सारे करेगा कि यार SBI का FD कर लिया है, कहीं कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली है, कहीं किसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लिया है, कहीं कुछ डूब रहा हो या मर रहा हो तो वो उसको रीबैलेंस कर लेंगे. आपको ये सब सोचना ही नहीं होगा, आपको मोटा मोटा वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. इट्स नॉट गारंटीड, बट यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि इन द बॉल पार्क आ जाएगा. और यू कैन इन्वेस्ट इन अ इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें भी बहुत तरीके होते हैं. यू कैन इन्वेस्ट इन अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में डालो. कंपनियों में, कंपनियों जैसे कि निफ्टी 50,
इज अ गुड इंडेक्स. इंडेक्स मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके प्राइस मूवमेंट्स ट्रैक होते हैं. निफ्टी 50 आर द टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो योर यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो रिलायंस हो गया, वो SBI हो गया, वो HDFC हो गया, वो टाटा, इन्फोसिस, ये आपके नॉर्मल कंपनीज हैं. इन पे हमारा भरोसा है, भारत की टॉप 50 कंपनीज है तो नेचुरली हो गई. एंड दीज आर कॉल्ड लार्ज कैप, मतलब लार्ज साइज कंपनीज. तो उनके प्राइस मूवमेंट्स भी ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं. ये नहीं कि पागलपन जैसे 20% अप 20% डाउन. धीमे धीमे चलते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं. आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मिडिल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो मिड कैप 100 या मिड कैप 150, ये एक इंडेक्स है. व्हाट इज दैट? मिडिल साइज कंपनीज की टॉप 150 कंपनीज इनमें जा सकते हैं. रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि ये मिडिल साइज कंपनीज हैं, इनका उतार चढ़ाव ज्यादा होगा. या आप फिर स्मॉल कैप या छोटे साइज कंपनीज में जा सकते हैं. स्मॉल कैप 250 एक इंडेक्स हो गया, उसमें भारत की जो टॉप 250 कंपनीज हैं इन द स्मॉल कैटेगरी, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है. सबसे ज्यादा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी शायद उसके अकॉर्डिंग मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करेंगे. तो यू कैन डू दीज थ्री और अ मिक्सचर. या आप इंडस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं. क्या मुझे IT में इन्वेस्ट करना है तो IT का एक म्यूचुअल फंड ले लो, या मुझे एग्री में इन्वेस्ट करना है तो एग्रीकल्चर का एक म्यूचुअल फंड ले लो, या बैंकिंग में करना है तो बैंकिंग का ले लो. द कॉम्बिनेशन इज देयर. स्मॉल केसेस एग्जैक्टली इसलिए बने हैं. जो म्यूचुअल फंड नहीं कर सकता वो स्मॉल केस कर सकता है. तो आप स्मॉल केस में अगर जाएंगे तो वहां आपको मिडिल क्लास में आप इन्वेस्ट करने का तरीका मिलेगा, रूरल इंडिया में इन्वेस्ट करने का तरीका मिलेगा, टाटास की सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का तरीका मिलेगा. एंड दैट आर ग्रेट, एंड दीज आर ग्रेट वेज फॉर यू टू इन्वेस्ट इन एन आइडियोलॉजी और एन आइडिया दैट यू बिलीव इन. मेरी राय कि आपको जिंदगी में 3 म्यूचुअल फंड चाहिए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप. एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर एज एंड योर इनकम, द अप्रोक्सीमेट रेशियो विल बी 60% लार्ज कैप, अराउंड 30% मिड कैप, अराउंड 10-15% स्मॉल कैप. ये आपके रिस्क को अच्छे से मैनेज करेगा. बट दिस इज द मीडियम रिस्क कैटेगरी. इसमें आप देखेंगे योर एवरेज रिटर्न इज नाउ इन द रेंज ऑफ 12-15%. तो जहां वो आपका 6-10% था लो रिस्क, वहीं ये 12-15% हो गया है, 18-20 तक भी हो सकता है. आप बोलेंगे यार ज्यादा अंतर तो है नहीं, बट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने 20% ऑन एन एवरेज रिटर्न कमाया इस साल, मतलब हर 3.5 साल में मेरा पैसा दुगना हो रहा है. तो जहां आपके लो रिटर्न में 10 साल के अंदर आपका पैसा तिगना हुआ होगा, मेरा 10 साल के अंदर वही पैसा 1-2, 2-4, 4-8 गुना हो चुका होगा. तो आपका 3 गुना, मेरा 8 गुना. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क. फिर आता है हाई रिस्क. एंड इसमें 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. व्हाई डू आई कॉल इट हाई रिस्क? बिकॉज जितनी जल्दी से आप पैसा उसमें कमाएंगे उतनी जल्दी से पैसा गवा भी सकते हैं. इट्स हाईली लेवरेज्ड. इट मे नॉट बी वॉट यू आर गुड एट. यू मे फील कि आप इसमें अच्छे हैं क्योंकि आए दिन आपका एक PNL बनता है. स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है कि आप जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन बेच देते हैं, एंड यू आर बेटिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स. इट इज समथिंग दैट पीपल डू मेक मनी ऑन, बट इट इज ऑल्सो समथिंग विच इज हाईली टेक्निकल. तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट अगर आप एक स्टार्टर हैं एंड आपके खुद का कोई कॉर्पस नहीं है. दूसरे के पैसे पे आप स्टॉक ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे. डोंट मेक दैट मिस्टेक एवर एवर एवर. लेकिन अगर आप इसमें अच्छे हैं तो यू कैन अर्न अनगिनत. It could be 25%, 30%, even upwards. And that is high risk. The second high risk is startup investing. Startup investing har ek insaan nahi kar sakta because there are check sizes. You may not even get an entry into the startup kyunki aap jane mane nahi hai, founder nahi hai, ya aapka kuch aisa AIF ya alternate investment fund nahi hai. There are hazar restrictions. Lekin agar aap kar sakte hain, then startup investing is highly risky. Kyun? Pure ka pura paisa ja sakta hai. Company agar band ho gayi, then पूरे का पूरा पैसा गया. There is no middle ground in there. Second, liquidity नहीं है. ऐसा नहीं है कि जब आपको पैसे चाहिए आपको मिल जाएगा. There has to be a buyer, which usually is a funding round. उसमें भी investor पता नहीं क्या क्या terms and conditions डालेगा. आपका order पता नहीं कितना high है कितना low है in terms of आपको कब पैसा मिलेगा अगर मिल रहा है. तो it is extremely risky, but could come with very high returns. In the past, my startup investing has given me returns of 35-40% on a yearly basis, even upwards. But it's something that I do
no more than 25% of my allocation. वो भी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं स्टार्टअप की दुनिया से हूँ, तो 15 साल बिता चुका हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ, एंड इसके बावजूद भी गलतियां होके ही रहती हैं. Extremely risky, not recommended for a new investor. And the third high risk is crypto. Crypto में सिर्फ और सिर्फ आपको दो कंडीशन पे इन्वेस्ट करना है. नंबर एक कि आप उसको समझते हैं एंड आप ये पैसा बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि भाई रातों रात बन जाएगा. You understand what the asset is. And number two, you are ready to lose all of this. And that's why you will not put more than 5% of your total portfolio into crypto. 5% के मोटा मोटा घूमना है. Maximum 10% जा सकते हैं अगर आपको पूरी clarity है कि crypto कैसे काम करता है और आप क्यों इसमें invest कर रहे हैं. And you're ready to lose all of it. उससे ज्यादा तो बिल्कुल हरगिज ही नहीं. There are several cases, including vault, जिसमें मैंने अपने पैसे डाले थे, पूरे के पूरे गवा दिए, फिर से build करना पड़ा वो portfolio. Thankfully बन चुका है, but now I have in a cold wallet. मतलब it's not on a shared wallet जहां platforms आप खरीद सकते हैं. It's there on the blockchain and I have a record of that. But I am long on crypto. मैं सिर्फ और सिर्फ Bitcoin, Ethereum और Solana में ही invest किया है. वो भी सिर्फ एक ही target के साथ, जो target पूरा हो चुका है. एक Bitcoin, 10 Ethereum, 100 Solana, which is what I have and that's what I am sitting on. ये हैं सारे investment classes. अब हाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2024 इज अ फंक्शन ऑफ कि आप किस रेट ऑफ रिटर्न को हासिल करना चाहते हैं एंड उसके लिए कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है. माय सजेशन, अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, देन स्टार्ट विद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. दे आर द बेस्ट वे टू गेट द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग. SIP शुरू करिए, हर महीने एक दिन पे पूरी शिद्दत के साथ वो पैसा निकल जाएगा. उन तीन म्यूचुअल फंड्स में जो मैंने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें इन्वेस्ट करिए. एक रेशियो डिसाइड कर लीजिए, 60-25-15 इज अ गुड रेशियो, अ सेफ रेशियो, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड दैट डिसिप्लिन. एक दो साल जब करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी, मोर इम्पोर्टेंटली कम्फर्ट बनेगा कि यार पैसा हर महीने निकल जाता है, अच्छे से ग्रो भी कर रहा है. And I'm able to see how I react to. That is the bigger understanding. जब आप अपने पैसे के साथ का रिश्ता समझ पाएंगे ना, तब आप comfort बनाएंगे कि इस पैसे को आप कैसे use करना है. And once वो एक दो साल का comfort बन जाएगा, start going into other risk areas. आप अलग risk लेके real estate में invest कर सकते हैं. आप जो पैसा बन चुका है उसको थोड़ा सा protect करना चाहते हैं, तो उसको low risk assets में डाल सकते हैं. सिर्फ जो profit बना है उसी को invest कर सकते हैं. Whatever is the strategy you use, you have to get started. And ये समझना होगा कि मेरा पैसे को लेके रिश्ता क्या है. What is my way of reacting to risk and the ups and downs of investing? I wish all of you a wonderful investing 2024. Get started. Take charge of your money. God bless you all. Ankur Varigu, signing. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने 20s में. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए Amazon पर.